सुप्रीम कोर्ट वालों नवजोत सिंह सिद्धू नूं सुनाई गई सज़ा तो बाद हुण सिद्धू दे साथी अपने सियासी साथी नूं दिलासा दिंदे होए नज़र आ रहे ने। पटियाला विखे नवजोत सिंह सिद्धू की रिहायश ते तांता लग्या होया, उन्हां नूं मिलण लई पहुंच रहे ने उन्हां दे सियासी साथी। इस मौके ते नवतेज सिंह चीमा, जो नवजोत सिंह सिद्धू दे कह सकदे आ कि काफ़ी करीबी मन्ने जांदे ने, उन्हां वल्लों वी दिलासा दित्ता गया है नवजोत सिंह सिद्धू नूं, क्योंकि आख्या जा रहा उन्हां वल्लों कि सिद्धू एक साल दे लई जेल ही चले ने, एक साल का समा कट के वापस बाहर आ जाणगे, सिद्धू साहब मर थोड़ी चले ने। यह बयान दिता गया है नवतेज सिंह चीमा वालों, जिन्हों वालों आख्या गया है कि जिहड़े सवाल चुक रहे ने नवजोत सिंह सिद्धू की एक साल की सज़ा ते, उन्हां नूं वो जवाब देना चाहते हैं कि एक साल के लिए ही जेल दे विच जा रहे ने, एक साल बाद बाहर आ जाणगे, अते जिही बयानबाजी करन तो गुरेज किया जाए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अदालत के इस फैसले तो बाद विरोधियों के नाल अपने ही कांग्रेसी लीडरों वालों भी अजिहे बयान दिए गए हैं, जिस नवजोत सिंह सिद्धू की सज़ा ते तिखे ढंग दे नाल जां टेढ़े ढंग दे नाल टिप्पणी की गई है। दूसरे पासे उन्हां दी रिहायश, पटियाला विखे नवजोत सिंह सिद्धू की रिहायश ते उन्हां नूं मिलन दे लई पहुंच रहे ने कांग्रेसी आगू, जो उन्हां दे नाल रहे ने अते उन्हां दे नाल चंगा राबता है, जिन्हां दा जिन्हां वल्लों ही गल आखी जा रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ एक साल दे लई चले ने, ओह कड़ा नशे दे मामले विच अंदर चले ने, एक रोड रेस दा मामला है, एक साल बाद सज़ा कट के बाहर आ जाणगे। दस दिए कि बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट वल्लों रोड रेस मामले नवजोत सिंह सिद्धू नूं एक साल की सज़ा ते 1000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। 1988 34 साल पुराने इस केस विच पटीशनकर्ता वालों पीड़ित परिवार वालों ये अर्जी ये पटीशन पाई गई सी अदालत अगे कि सज़ा होनी चाहिए नवजोत सिंह सिद्धू नूं, सिर्फ जुर्माना नहीं होना चाहिए। जिस तो बाद हुण सिद्धू नूं यह सज़ा सुनाई गई अदालत वालों, तो कानूनी चाराजोई भी सिद्धू दे कोल नहीं बची है, अते गिरफ्तारी नूं लैके हुण लगातार क्यास लग रहे हैं कि कदों गिरफ्तारी होवेगी जां फिर आत्म समर्पण होवेगा। नवजोत सिंह सिद्धू की पटियाला रिहायश तो तस्वीरां तुसीं देख सकते हो, नवतेज सिंह चीमा पहुंचे ने, इस मौके उन्हां वल्लों किस तरह सिद्धू का पक्ष लैंदे हुए विरोधियों नूं जवाब दिता गया है, खास तौर पर जिहड़े कांग्रेस दे विच रह के ही सिद्धू की इस गिरफ्तारी ते इस फैसले ते सवाल चुक रहे ने, उन्हां नूं जवाब दिंदे हुए नवतेज सिंह चीमा नजर आ रहे हैं, की कुछ आखिया जा रहा है आओ सुनाते हैं। बस कोर्ट से जोड़ा कानून की पालना कर रही है और हम जाके गल करते हैं, सजा ही हुई साल की, कोई सिद्धू मर तो नहीं गया, ये तो इदा गल कई लोग खुश हो रहे हैं भी पता नहीं सिद्धू मर गया, साल की सज़ा, साल कट के आजू बार वो कहता कोई नशे के केस च चला अंदर, ये तो बादल साहब भी बहुत बारी गए, वो तो कल ही तैयार से करने लिए देखते हो कांग्रेस के बयान देखते हो कहते जो काम हाईकमान करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने करता। अच्छा यदा मतलब फिर हाईकमान खत्म है, आप हाईकमान के खिलाफ ही बोल पैना, यह मतलब राणा गुरजीत कह रहे हैं, राणा गुरजीत की कल की स्टेटमेंट है, राणा सुखजिंदर रंधावा ने चंगा होया, सुखजिंदर रंधावा की सोच है, अपनी अपनी सोच है, ये चीजा वेख के कभी दुश्मन में भी कुछ हो ना वो बारे भी नहीं कहना चाहिए, बाकी पार्टी है जो पार्टी लिए आप सही काम करा, पार्टी लिए सही बोलोंगे, फिर जो कला बंदा पार्टी नहीं चला सकता। चीमा साहब पावर सेंट्रिक होंदी सी, लीडर इथे आउंदे सी, आउणगे आ रहे सारे, ये सिर्फ मैं सजा हुई आ, साल एक जे कट अंदर आउणगे तो कोई वड्डी गल नहीं, बादल साहब ने किन्नियां जेलां कट्टियां, कई लीडरां ने किन्नियां जेलां कट्टियां, वो नशे दे दोष च ते नहीं ना अंदर चले, ये ते जेड़ा आ कोई गल नहीं, पर चीमा साहब किसे किसे बंदे नु मारना मार देना और किसे बंदे दी जान चली गई, जान चली गई और परिवार 34 साल इंसाफ दी लड़ाई नजर नहीं आए